क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट द रेक्टेंगल दिया गया है दिए हमको रेक्टेंगल का क्वेश्चन ऑफ आंसर मिलता है या फिर सॉल्यूशंस ओके रेक्टेंगल होता है अपोजिट साइड्स हमेशा कौन क्या होता है कॉन्ग्रुएंट होता है अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट तो यहां पे हमने लिखा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन x plus 4 equal to 2y. x plus 4 equal to 2y. Therefore, jagah change kar do. x minus 2y equal to minus 4 number 1. Jagah change kar do number, interchange kar do number sign change ho gaya. Ab hum opposite side ko likhenge. According to the second condition, plus 8. अब दोनों को उठा के इधर लिख देते हैं 4x minus 2x minus y ये इधर आएगा minus equal to 8 minus equal to 2x दोनों को प्लस करो साइन माइनस करेगा लेकिन सिर्फ अल्फाबेट प्लस किया जाएगा 2y equal to 8 दोनों को हमने डिवाइड किया डिवाइड ऑल साइड बाय 2 2 का टेबल आता है 2 से डिवाइड किया तो x आया 2 से डिवाइड किया y आया नंबर अब इन दोनों को लेके चलेंगे ओके इन दोनों को लेके चलेंगे देखेंगे कितना आंसर आता है पहले का x minus 2y equal to minus 4 दूसरे को लिखा x minus y equal to अल्फा और दोनों सेम है साइन सेम है तो माइनस का इस्तेमाल करेंगे यहां पे माइनस आ जाएगा प्लस माइनस साइन चेंज होता है बराबर सेपरेट बोथ ओके कट हो गया टू में से सिंगल रूट बन गया और टू में से बन गया तो माइनस वन माइनस वाई माइनस फोर माइनस फोर माइनस एट आ जाता है देयरफॉर वाई इक्वल टू एट पुट वाई इक्वल टू एट इन इक्वेशन नंबर टू टू छोटा है तो लेंगे एक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर देयरफॉर वाई माइनस एट इक्वल टू फोर वाई इक्वल टू फोर प्लस एट वाई इक्वल टू ट्वेल्व ओके सही रॉन्ग है x minus 8 equal to 4 y का वैल्यू 8 था तो कितना है x equal to 4 plus 8 x equal to 12 ले लिया अब हमें निकालना है पहले लेंथ लेंथ क्या था कोई भी एक लेके चलेंगे लेंथ इक्वल टू 2y लेंथ इक्वल टू 2y यानी 2 इनटू व्हाट इज द y 8 यानी 16 अब ब्रेथ निकालेंगे ब्रेथ कितना दिया है कोई भी नहीं नीचे छोटा लग नीचे लिख रहा है ले 4x माइनस y 4 इंटू x कितना है 12 माइनस व्हाट इज द y 8 12 फोर इज 48 माइनस 8 इक्वल टू 40 ये हमारा ब्रेथ निकल गया अब पैरीमीटर निकालने को बोला x को निकल गया y पैरीमीटर perimeter of a rectangle equal to 2 length plus 2 breadth 2 into length कितना है 16 breadth कितना है 40 32 plus 18 answer is 112 okay अब हमें area भी निकालने को बोला है area of a rectangle length into breadth what is the length length कितना दिया है 60 breadth 40 multiply करते हैं 4 6 24 2 640 square units that is the final answer फिर से एक बार देख लो
According to the first condition, ये दोनों equal था, both sides are congruent, x plus 4 equal to 2y, जगह change किया, sign भी change हुआ. According to the second condition, 4x minus y equal to 2x plus y equal plus 8, इन दोनों को उठाकर हमने set लिया, जगह change, sign change, दोनों में minus किया, दोनों का sign same था, plus किया, फिर इन दोनों को लिखा, दोनों का alphabet, x x same है, sign same, तो इसलिए हम minus का इस्तेमाल किया, ताकि नीचे का sign change, उसमें कटिंग करने में दिक्कत ना पड़े. प्लस x माइनस x 0 हो गया, 2 में से 1 माइनस किया तो y आता है माइनस 4 8, x इक्वल y इक्वल टू 8. ओके, हमने पुट ऑन इन द इक्वेशन नंबर 2, इजी था, y माइनस 4 इक्वल टू x माइनस y इक्वल टू 4, x माइनस y का वैल्यू 8 है इक्वल टू 4, जगह चेंज साइन चेंज x इक्वल टू 12 आ गया. लेंथ, ये लेंथ हमने माना, तो लेंथ दोनों साइड सेम है, x प्लस 4 भी करेंगे या तो y करेंगे सेम. हमने 2y लेके चला, 2 into y, 2 into what is the y? 8, 16. breadth लेके चले, 4x minus y, या ये दोनों से कोई भी लेके चल सकते हैं. 4 into what is the y? x 12, 12 plus 8, 48 minus 8, 14. parameter का formula 2 length plus 2 breadth, 2 into 16 plus 2 into 14 multiply by 32 multiply by तो 8 plus किया दोनों को 112 आ गया. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ यानी 16 इनटू 40 आंसर 640 स्क्वायर सेंटीमीटर.